हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों, आप जानते हैं मार्केट में इंडिपेंडेंट हाउस की जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती है। आपको चाहिए जड़ से मकान, फ्लैट्स भी दिखाते हैं, हाउस भी दिखाते हैं, जड़ से मकान भी दिखाते हैं। बट दोस्तों, आज जो हम देखेंगे वो एक जड़ से मकान देखेंगे। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी रहने वाली है, इसमें आपको शॉप मिलने वाली है, डुप्लेक्स इंडिविजुअल। ये जड़ से मकान आपका इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है। प्रॉपर्टी लोनेबल है, लोन भी आप यहाँ पर इजिली करवा सकते हैं। 80 से 90% लोन यहां पर इजिली करवा सकते हैं। रजिस्ट्री भी अवेलेबल है दोस्तों, पक्के डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्री यहां पर देखने को मिलेगी। सारी फैसिलिटी दोस्तों यहां पर है। लोकेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो लोकेशन हमेशा की तरह जो है मोहन गार्डन की रहने वाली है। दिल्ली की लोकेशन के अंदर उत्तम नगर में आपको जो है ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। 50 गज का इंडिपेंडेंट हाउस, जड़ से मकान। रोड में आपको बताऊं तो रोड यहां पर देखो कितना वाइड रोड आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 25 फीट का वाइड रोड। जी हां, 25 फीट का वाइड रोड। आप यहां पर अगर चाहते हैं तो कार पार्किंग के साथ तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं शॉप के साथ, क्योंकि जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये एक शॉप का एरिया रहने वाला है, और बैक साइड में इसे एक रूम बनाया गया है जिसको आप गोडाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं, या फिर इस जगह को आप अपनी कार पार्किंग बना सकते हैं। क्योंकि यहां से अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि इसकी जो मेन एंट्री रहने वाली है दोस्तों वो इस पोर्शन से रहने वाली है। एक सिंगल डोर यहां पर दिया गया है, यहां से आपकी सिंगल एंट्री होगी। उसके बाद एक शटर यहां पर लगाया गया है, यहां से आपका जो है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का काम हो जाता है। ये आपकी शॉप रहने वाली है, यहां पर आप अपने रेजिडेंस के साथ अपना कमर्शियल कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी जनरल स्टोर या फिर कोई ऑटोमोबाइल स्टोर, जो भी आप चाहते हैं वो यहां पर खोल के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले सकते हैं ये जड़ से मकान। और बजट दोस्तों, बजट मैं जो है आपका बताऊंगा, बजट आज जो ये प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, आप जितनी भी प्रॉपर्टी देखते हो उनमें सबसे सस्ता, सबसे कम बजट का, जी हाँ दोस्तों सबसे कम बजट का ये जड़ से मकान 50 गज का रहने वाला है, वो भी 25 फीट के वाइड रोड के बाद। कनेक्टिविटी की दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ, वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं। वीडियो को स्किप करने के बाद आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी जो आपके बजट में आने वाली है वो निकल जाती है दोस्तों। 50 गज का जो ये जड़ से मकान है इतने कम बजट का रहने वाला है। बजट स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बता देता हूँ ना दोस्तों, तो आप लोग सीधा कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन पूरी जान लेते हैं। और जान लेने से क्या होता है, हम सारी कॉल्स जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी कॉल्स एक साथ आती हैं तो रिसीव नहीं कर पाते हैं कई बार, और इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से निकल जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच जरूर करें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, छोटी वीडियोज़ दोस्तों आजकल मैं बनाता हूँ आपके लिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लिए लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता नहीं हूँ दोस्तों, लाता रहूंगा। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले फ्रंट से इसका गली का व्यू हमारा कैसे रहने वाला है, यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या क्या मिलने वाली है, बाहर से हमारा जो है ये हाउस कैसे रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने हाउस के बाहर, आप देख रहे हैं ये हमारी जो है फ्रंट एलिवेशन रहने वाली है। तीन तीन जड़ से मकान आपके लिए जो है बनाकर रेडी कर दिए दोस्तों। इसमें कॉर्नर वाला जो है एक सोल्ड आउट हो चुका है, यहाँ पर सोल्ड आउट कर चुके हैं। अब आपको जो है तीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। 25 फीट की वाइड रोड पर आपको जो है गेटेड सोसाइटी के अंदर, यहाँ पर देखिए पक्की पक्की सड़क आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड से वाटर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, सीवरेज यहाँ पर डले हुए हैं, पक्की सड़क है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो BSES राजधानी से आपको मिलने वाला है दोस्तों, कनेक्टिविटी गैस पाइप लाइन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो IGL की रहने वाली है। कनेक्टिविटी सामने से आपके जो है ई रिक्शा वहाँ से उस रोड से मिलेंगे वहाँ से आपको, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन आपको जो है लेकर जाएंगे दोस्तों। ये मकान जो है 50 गज का, जितने भी आपने जड़ से मकान जो है चैनल पर देखे हैं उनमें सबसे सस्ता, लोवेस्ट, 100% गारंटी लोवेस्ट प्राइस में रहने वाला है। प्राइस इसका कम क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है मेट्रो से इसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर रहने वाला है। दूर रहने का जो रीज़न होता है, बाहर की साइड हम जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका प्राइस जो है बाहर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई रहता है, हम जितना अंदर आ जाते हैं उसका प्राइस जो है कम हो जाता है दोस्तों। यहाँ से जो मेट्रो का डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर का रहने वाला है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सबसे सस्ती रहने वाली है और बहुत ही खूबसूरत पूरे टाइल वर्क के साथ आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको SS की ग्रिल लगी हुई मिलेगी। तीन सेट यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं, जो कि तीनों के तीनों कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीनों में शटर लगा हुआ है, यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपके शटर के साथ एक सिंगल शटर यहाँ पर लगाया गया है, एक सिंगल डोर है, यहाँ से आपकी सिंगल एंट्री होगी। मैं पहले आपको जो है फर्स्ट वाला घर दिखाता हूँ, और इसमें एक कॉर्नर का सेट भी है, आप चाहे तो कॉर्नर का सेट ले सकते हैं, उस साइड में आपको जो है दोनों साइड का ऑप्शन मिल जाएगा।
वेंटिलेटेड फुली रहने वाला है। लोकेलिटी आप देखें कि 25 फीट के वाइड रोड पर, इतने चौड़े रोड पर आपको जो है इस बजट में 50 गज का जड़ से मकान उत्तम नगर मोहन गार्डन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको सबसे सस्ते बजट में देखने को अभी मिल रहा है ये वो 50 गज का जड़ से मकान है। यहाँ से हम अंदर आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो है इतना वाइड एरिया मिलेगा, देखिए काफ़ी वाइड एरिया आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो शटर हटाकर यहाँ पर रैंप बना के इसको अपनी कार पार्किंग भी बना सकते हैं, क्योंकि वन रूम सेट आपको जो है नीचे के पोर्शन में देखने को मिलेगा और टू रूम सेट आपको जो है 1+1 ऊपर की पोर्शन पे यानी कि सेकंड मंजिल पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। और देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रूफ देखने को मिलेगी। हम रूफ आपको जो सबसे लास्ट में दिखाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे हमारी ये लोकेलिटी है वो बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि पार्किंग होने के बाद भी जो आपकी शॉप रहने वाली है, मैं इसको पार्किंग गिनूंगा क्योंकि हम लोग पार्किंग के हिसाब से दिखाते हैं, बट यहाँ पर शटर लगा हुआ है तो आप इसको शॉप के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर पूरा ग्रेनाइट का वर्क आपको जो है फ्लोरिंग पे देखने को मिलेगा दोस्तों, पूरा का पूरा ग्रेनाइट का वर्क आपको यहाँ पर लगा मिलेगा। स्टेयर आपकी लेफ्ट साइड से रहने वाली है, पूरी स्टेयर में आपको यहाँ पर भी ग्रेनाइट का वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक वॉशरूम देखने को मिलेगा जिसमें आपको इंडियन पॉट लगाकर यहाँ पर दी जा रही है। एंड टू एंड टाइलिंग का वर्क आपको जो है हाईलाइट टाइल्स के साथ ये वॉशरूम तैयार करके दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से हम इधर आ जाते हैं तो एक बेडरूम आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर आते हैं पूरे टाइल वर्क के साथ, नीचे फ्लोरिंग में आप देखेंगे पूरे टाइल वर्क के साथ आपको जो है काफ़ी बड़े साइज का जो है और ये बेडरूम देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा डिस्टेंस कैमरे से कितना है और उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर कितना ये वाइड ये बेडरूम आपका रहने वाला है। इसकी जो लेंथ है वो भी अच्छी रहने वाली है और इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लंबाई चौड़ाई दोनों इसकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वॉलपेपर चाहे तो आपकी मर्जी से हम आपको लगा कर दे देंगे। सारी फैसिलिटी दोस्तों हम अपने कस्टमर को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उनको हम सारी फैसिलिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल पर आप जितने भी वीडियो देखते हैं, जो हमारा चैनल है इंडिपेंडेंट नितिन, इस चैनल पर जो भी आप प्रॉपर्टी देखते हैं 99% जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। इसलिए हमारे चैनल का जो है नाम इंडिपेंडेंट नितिन है और मैं भी बचपन से एक इंडिपेंडेंट नितिन की तरफ से अपनी लाइफ को जीता आया हूँ। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, ये हो जाती है अलग बात। और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर के पोर्शन पे, यहाँ से आपको दिखाते हैं हमारा ऊपर से हाउस ये कैसा रहने वाला है। तो चलिए इधर से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने पहली मंजिल के ऊपर। डुप्लेक्स दो मंजिल आपका जो है जड़ से मकान रहने वाला है। नीचे आपने देखा आपकी शॉप के साथ आपका जो है बैक साइड का गोडाउन या फिर आप उसको एक रूम सेट बोल लीजिए वो मिलेगा वॉशरूम के साथ। वन रूम सेट आपका जो है ऊपर की साइड में मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डायमेंशन दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगी। या फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर डायमेंशन इसकी लिखी हुई आ रही है, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं डायमेंशन लिखी आ रही है। ये डायमेंशन नीचे वाले रूम की और ऊपर वाले रूम की रहने वाली है। और यहां पर भी आपको देखो फ्लोरिंग पे टाइल वर्क देखने को मिलेगा। आप देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए कैमरे को लेकर, आप देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा रूम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बड़े से बड़े साइज का दोस्तों। जितने बड़े साइज का आपका जो किंग साइज का डबल बेड होता है, किंग साइज का डबल बेड भी आप यहाँ पर लगा देते हैं ना उसके बाद भी दोनों साइड में आपको इतने स्पेस देखने को मिलेगा। इस पोर्शन में आप अपनी मर्जी का कोई वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं वो हम आपको यहाँ पर लगवा कर देंगे। और जो भी आप फिटिंग देख रहे हैं पूरी यहाँ पर सारी ब्रांडेड कंपनी फिटिंग आपको मिलेगी। स्विचेज आपको जो है यहाँ पर पूरे ब्रांडेड कंपनी के यहाँ पर लगा कर देंगे। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए विंडो यहाँ पर लगाई गई है। आयरन की ग्रिल आपको लगी हुई मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत आपका जो है ये हाउस रहने वाला है। ऊपर POP के साथ आपको जो है फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिलेगा और LED का वर्क यहाँ पर चारों तरफ में देखने को मिलेगा। अब ये आ जाता है दोस्तों हमारा लिविंग एरिया, ये 1+1 रहने वाला ऊपर का पोर्शन, ये हमारा लिविंग एरिया। तो आप लिविंग एरिया भी देखिए कितना, ये लेंथ देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा आपका जो है ये लिविंग एरिया भी रहने वाला है। काफ़ी अच्छी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी पूरा टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाती है बात वॉशरूम की, हमारा ऊपर की साइड में भी आपको एक वॉशरूम देखने को मिलेगा। एक आपने ग्राउंड पोर्शन पे देखा, एक आपने फर्स्ट फ्लोर पे देखा। ये हमारा जो है वॉशरूम रहने वाला है। हाईलाइट टाइल्स यहाँ पर जो है लगाई गई हैं, 8 फीट तक इसकी जो है हाइट रखी गई है। और ये वॉशरूम भी आपको सेंट्री फीचर्स लगा कर, आप चाहे तो यहाँ पर इंग्लिश पॉट लगवाना चाहते हैं, इंडियन पॉट लगवाना चाहते हैं, वो आपको अपनी मर्जी से लगा कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं तो ये हमारी किचन रहने वाली, इस साइड में आपको किचन का पोर्शन होगा। आपको यहाँ पर भी ग्रेनाइट का स्लैब मिलेगा, हाईलाइट टाइल्स वगैरह मिलेंगी आपको, सेंट्री फीचर्स सब कुछ लगा कर यहाँ पर हम लोग देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारी जो है बालकनी, बालकनी की तरफ नज़र मारेंगे तो बालकनी देखेंगे तो बालकनी भी काफ़ी स्पेशियस आपकी देखने को आपको मिलेगी। SS की ग्रिल यहाँ पर लगी है, काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी जो है ये बालकनी देखने को मिलेगी। ये आपकी बालकनी रहने वाली है। ये हमारा हो जाता है
ऊपर का पोर्शन दोस्तों ज़्यादा देर मैंने आपको जो है बताया था कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियो है दोस्तों, ये ऊपर का भी पोर्शन हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम के अंदर आपको जो है पूरा जड़ से मकान दिखा दूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने फ़ोन करके भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बात आई थी रूफ़ की, तो यहाँ से रूफ़ पर चलते हैं और रूफ़ का पोर्शन हमारा कैसे रहने वाला है। तो पूरी स्टेयर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ग्रेनाइट कवर का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप चलते हैं और ऊपर की तरफ आपको जो है रूफ़ से रूफ दिखाते हैं और यहाँ की लोकेलिटी कैसे रहने वाली वो दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँ कि यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ पेंटिंग बाकी है। 10 दिन के अंदर अंदर ये हाउस बन के रेडी टू मूव हो जाएगा और आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं हमारा ऊपर का पोर्शन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रूफ़ के ऊपर। मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी रेनी सीज़न है, बारिश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पानी अभी रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ऊपर का पोर्शन जो है अभी इसमें तैयार होना बाकी है। यहाँ पर आप बदरपुर वगैरह देख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये इसका पोर्शन को देखने के बाद आप देखिए वहाँ से लेकर पूरा स्टार्टिंग से वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको जो है जितनी भी लाइन दिख रही है ये सारे हाउस बना के आपके लिए तैयार कर गए हैं। ये रहा आपका कॉर्नर का पोर्शन, ये रहने वाला है या फिर रूफ़ रहने वाली है। और लोकेलिटी देखने के बाद चारों तरफ पूरे देखो कॉलोनी बसी हुई है। आप जानते हैं कि मैं आपको किसी गांव में जो है घर नहीं दिखाता हूँ, उत्तर नगर के अंदर जो है ये दिल्ली के अंदर दिल्ली 59 इसकी लोकेशन है। दिल्ली के अंदर आपको जो है उत्तर नगर के एरिया में ये जड़ से मकान पक्की कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्री के साथ लोन के साथ पक्के दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है ये जड़ से मकान मिलेगा। पानी की टंकी ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं लगी हुई है, अच्छा खासा आपको जो है ये जड़ से मकान देखने को मिलेगा दोस्तों। 25 फीट के वाइड रोड पर कनेक्टिविटी दोनों साइड आपकी रहने वाली है, दोनों साइड आपकी जो है ओपन गली रहने वाली है, कोई परेशानी आपको यहाँ नहीं होगी। यहाँ से आप जो द्वारका मोड़ 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। कनेक्टिविटी सारी है, ऑटो ई रिक्शा आपको जो है हॉस्पिटल बैंक ATM जिम मार्केट सब आपके 200 मीटर के दायरे में आने वाले हैं दोस्तों। सारी फैसिलिटी के साथ आपको जो है जड़ से मकान मिल जाएगा। लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सुंदर स्पेशियस आपको जो है सारी फैसिलिटी के साथ ये जड़ से मकान जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे, जब ये वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड होने में इसको जब आप इसको देख रहे हैं तो कम से कम 3 दिन लगेंगे हमें इस वीडियो को अपलोड करने में। यानी कि अब जब आप वीडियो देख रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग के डेट से मैच करके ये अपलोड होने का 3रा दिन है दोस्तों। अब यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं और कल हमारे पास आते हैं यानी कि 4थे दिन पर, तब आपको यहाँ पर सारा काम कंप्लीट मिलेगा। ये हाउस रेडी टू मूव रहने वाला है, छत का पोर्शन और आपके कलर्स जो हाउस के रहने वाले हैं वो कंप्लीट होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। और यानी कि हम बात करें तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये हाउस रेडी टू मूव रहने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें और अपने गृह प्रवेश की तैयारी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक कर लें और एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए जरूर कर दें। प्राइस जानने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस दिया गया है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है प्राइस क्या रहने वाला है।